जिला हमीरपुर के मुख्यालय में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर पर दबिश देकर 51 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नेमचंद्र पुत्र हेमराज गांव नोहरा हसनपुर डाकघर मंचकुमा तहसील आमबला जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। थाना हमीरपुर के हेड कांस्टेबल अश्विनी कुमार टीम के साथ गश्त पर थे। गुप्त सूचना पर पुलिस रात 9 बजे अमरोह चौक पर पहुंची और नेकचंद से 51 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी हमीरपुर के गांव नेरी में रहता था। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और स्मैक कहां से आई और कहां ले जाया जा रही थी, इसकी पूछताछ आरोपी से की जा रही है ताकि नशे के कारोबारियों को जल्द पकड़ा जा सके। पिछले 3 दिनों में हमीरपुर पुलिस ने जिले में स्मैक के 2 मामले पकड़े हैं, जिसमें जो दूसरा मामला है उसमें एक व्यक्ति नेमचंद उसका नाम है और ये बरेली यूपी का रहने वाला है। इसके पास से करीबन 51 ग्राम स्मैक इसके पास से पकड़ी गई है, जो कि इसने बाहरी किसी राज्य से लेके आने की बात कही है। अभी तक की जो जाँच है उसमें ये पता लगा है कि ये छोटी छोटी मात्रा में यहाँ युवाओं को ये नशा बेच रहा था और पिछले कुछ दिनों से ये सक्रिय था। पुलिस ने इसको इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और इसके नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं, किनके संपर्क में है, क्या इसका रूट है और कहां से ये लेके आ रहा है, उन सारी चीज़ों की जांच चल रही है।